यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। पत्रकार जेडे मर्डर केस में 7 साल बाद मकोका कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को दोषी करार दिया है, जबकि 2 अन्य आरोपियों को पत्रकारों को जिग्ना वोरा और जोसेफ पॉल्सन को इस केस में बरी कर दिया गया है। मुंबई की अदालत ने 11 में से 9 आरोपियों को दोषी माना गया है और जज समीर अजगर की कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने कहा था कि जेडे की हत्या छोटा राजन के इशारे पर की गई थी, क्योंकि छोटा राजन को लगता था कि पत्रकार जेडे उनके खिलाफ लिखते थे। गौरतलब है कि 11 जून 2011 को पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या कर दी गई थी और इस मामले में पिछले 7 साल से सुनवाई चल रही थी। साल 2015 में छोटा राजन को इंडोनेशिया से गिरफ्तार करने के बाद इस केस की सुनवाई तेज हुई थी और दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद छोटा राजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मकोका कोर्ट में पेश होता रहा है। आज सुनवाई के दौरान भी छोटा राजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ, जबकि और सभी आरोपी कोर्ट में मौजूद रहे। हालांकि पहला मामला है कि जिसमें छोटा राजन को दोषी ठहराया गया है।